शेखू तेरी तेरी मेरी अब्बा है और अच्छी वाली अब्बा है इसको हटाओ ये हमारी टीम से ये हमारे ग्रुप से ही बाहर है इसके साथ खेलेंगे नहीं हम कभी अब डन है डन मुक्के लेकिन मैं रखूंगा अपने ना हाँ बस भाई ओ ये एक सेकंड क्या चल रहा है ये एक सेकंड मैंने मेरे को बताओ तो मैंने करा क्या है देगा इसे पता भी नहीं इसने क्या करा वही है? तो भाई कट्टी ओ, ओके एक सेकंड एक, एक सेकंड वेट 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 Before you guys carry on, let's let's just welcome everyone who is here listening to us, and then we'll we'll continue it from here only. Okay. So for everyone who is listening, just welcome back to the next episode of Lincoln Roots Podcast. And uh, as you guys have heard, Vivek is back. Congratulations. Hello. Yes, and uh, on special request from last episode, we have. Uh, गौरव शेखावत ऑल्सो हाई गौरव अरे यू कैन वर्क ऑन दोस्ट क्रेडिट सच अ गुड जॉब ऑफ होस्टिंग लास्ट वीक वेन यू आर नॉट हियर एंड दिस इज वट आई एम गेटिंग ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का आई एम ये सुमित तू कह रहा है मेरे को बट मेरे को बट ये लग नहीं रहा जैसे शेखा गौरव कह रहे हैं कि मतलब तेरे से बात नहीं करनी ही इज ऑलरेडी डन विद यू मैन यस नहीं मतलब ये ऐसे ओपनिंग को बैटिंग नहीं खेलेगा मेरे साथ इसका क्या मतलब है यार ये ना नहीं ऐसे नहीं, नहीं, थोड़ी नहीं, थोड़ी ना चलेगा ओपनिंग को 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 बैटिंग अपना मेरे को मैं मारना नहीं, छोड़ सकता इसको बाकी गेम्स में नहीं खिलाएंगे यार गौरव अब ठीक है ना हाँ बाकी जिसमें मुख्य नहीं है वो सारे कैंसिल कर दो बर्फ पानी बर्फ पानी चेन चेन में नहीं खिलाएंगे अब इसको ये अलग अपना खेलता रहेगा जिसके साथ खेलना है इसको। और इस, इसके साथ नीच का पापड़ा भी क्या खेल पहले ही पर रहता है। हाँ सही में हाँ ये तो ऊंच पे रहता है नीच पे तो आते ही नहीं कभी खड़ा खड़ा रहता है ऊपर ही खड़ा होगा वही तो यार अब मैं अब मैं इतना लंबा तो मैं क्या करूं यार गौरव वे ये सब बातें सुन के ना स्कूल की याद आ गई मतलब रिमेम्बर we और जब ऐसा स्कूल में ये सब खेल रहे होते थे ऐसे पीछे से, मतलब पीछे वाले बेंच पे बैठ के ऐसे दोस्तों को मार रहे होते थे जब भी टीचर्स अंदर आते थे एकदम से मुक्का मार के बैटिंग नहीं बोला ओपिंग को नहीं बोला तुमने हाँ यार सही कह रहा है यही सब तो है बचपन की याद अपनी ना लाइक कितने फ्री थे ना उस टाइम पे

टली हिटिंग माई हेड इज ना ये जॉली स्टॉप बहुत खेलते थे हम लोग इट इज लाइक भी हमें हाथ पे अपने एक मार्क बनाना है राइट right? एंड उसके बाद इफ इट इज नॉट देयर देन तुम्हारे एक्चुअली बारह घूस लाइक बारह पंच पीठ पे मार सकते हो सामने वाले के सो आई युस टी प्ले दिस गेम विद ऑलमोस्ट एवरीबडी इन माई क्लास सो बॉयज एंड गर्ल्स इंक्लूडेड बट इट हैपन सो दैट विद अ गर्ल आई वॉज प्ले इंग दिस गेम एंड एट द एंड ऑफ लाइक

आउट ऑफ एंड आउट ऑफ लाइक उस टाइम पे आई वॉज ना वेरी लाइक आई वॉज क्वाइट स्मॉल मतलब काफी छोटे थे हम लोग ऑब्वियसली उस टाइम पे yeah. तो मैंने उस टाइम पे जब छह सौ हो गए थे मैंने उसको बोला यार अब देख अब तेरे को रोज 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 कम से कम तेरे को बीस खाने पड़ेंगे घुसे <laughs> <laughs> वरना तो ये बढ़ते ही चले जाएंगे कोई यूज नहीं है इनका फिर तो इट यूज टू बी लाइक कि मैं मॉर्निंग में जाता था उसको मारता था पहले <laughs> मेरा रूटीन बनता था मॉर्निंग में गया पहले उसको मारा फिर देखते अब आगे क्या करना अपने क्लास में वॉट एवर इट इज उसको मारा फिर उसको जब भी मन कर रहा है जब भी मेरा ऐसे माथा घूम रहा है मैं उसको बस मैं उसको मार देता था इट वॉज लाइक दैट वो छ सौ से पहुंच पहुंच के आई डोंट रिमेंबर एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि वो सारे खत्म हुए नहीं थे स्टिल आई रिमेंबर मैंने जब स्कूल वगैरह छोड़ा था तो इट वेंट ऑन लाइक

तो मेरे को दोस्त मेरे इसी उस पर मारते थे कि यार तू खड़ा होता है तब भी ओपिंग हो होता है तेरा जब तू बैठा होता है तब तो भी ओपिंग वो हो ही होता है क्योंकि तू खड़ा है मैं कहा लेकिन मैं तो बैठा हूं ना कहते हमारे लिए तो तू खड़ा ही है ना मैं कहा ये, ये क्या लॉजिक है यार जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू हिट मी मेकिंग मैंने इतने मुक्के खाए हैं ना ऐसा जबरदस्ती के इवन मुझे अब क्रेजी थिंग तो याद नहीं है बट एक चीज जो अच्छे से याद है हम जब भी रिसर्च टाइम होता था हमारे खेलने का टाइम होता था हम क्या करते थे क्योंकि हम ऑलरेडी हम फर्स्ट सेकेंड में ही बोर हो चुके थे हर गेम से तो हम लंच में ग्राउंड में जाके हम सोचते थे कि अब क्या नया गेम खेले क्या बनाए गेम का तो हम क्या करते थे हम नॉर्मल जो पकड़म पकड़ाई वाला गेम होता था पकड़ा पकड़ी वट एवर यू कॉल इज जो पकड़म पकड़े वाला गेम होता था उसको हमने नया नाम दे दिया हम बनते थे भाग रहे एक दूसरे के पीछे और बीच बीच में था आग लगा दूंगा <laughs> so, that, that fun, like, काफी मजा आता था उन सब चीजों में हाँ आई रिमेम्बर इसी का ना एक वर्जन मैं भी खेलता था राइट यू आर गोइंग टू कैच मी तो जब तू मेरे पास आ रहा है आई विल जस्ट से द नेम ऑफ द कलर जो कि सुमित का है तो मैंने जैसे ब्लू बोल दिया ना यू हैव टू गो एंड कैच सुमित तो ये सब के चक्कर में ये मतलब बहुत लंबा गेम चलता था हमारा पूरा रेसेस इसमें जाता था खाना वाना तो हमने पहले एक पीरियड पहले ही खा लेते थे हम लोग खाना तो हाँ मतलब वो तो पहले ही खत्म हो जाता था यार <laughs> हम रिसेस तो मतलब हमारा पहले ही हो जाता था एंड हम लोग का जैसे ही खत्म होता था हम लोग बाहर निकल के ये गेम खेलना शुरू करते थे भाई पहले से सब डिसाइडेड है टीचर सामने पढ़ा रहे हम पीछे अपना डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये कलर इसका है, ये कलर इसका इसके डरने शुरू करिए करेगा एंड हम खेले ही जा रहे हैं ये गेम दिस वॉज लाइक वेरी क्रेजी यार काफी क्रेजी टाइम्स थे यार वो ये यस ऐसे इट साउंड्स क्रेजी नाउ अब अगर सोचता हूँ मैं कि मैं क्राउंड में खड़ा हूँ जहाँ पे कुछ डेढ़ सौ दो सौ बच्चे आपस में खेल रहे हैं और वहाँ पे पाँच दो चार बच्चे एक दूसरे की तरफ ऐसे बस मुंह फाड़ के चिल्ला रहे हैं फ्लेम थ्रोवर <laughs> फ्लेम थ्रोवर भाई तू अच्छा चारे? पोकेमोन यू आर टॉकिंग अबाउट ओह हाँ भाई पोकेमोन हमारी पकड़म पकड़ाई अलग टाइप की होती थी थोड़ी उसके बाद वो खत्म हो जाता फिर एक गेम होता था चेन चेन जिसमें हमने खुद तो खेला ही है बाकी स्कूल के बंदों को बहुत तंग किया है क्योंकि एक छोटा सा ग्राउंड जहाँ पे पूरा स्कूल खेल रहा है वहां पे आप आठ बंदों की चेन लेके भाग रहे हो तो बहुत बार होता था हम दूसरी क्लास के बच्चे भी पकड़ लेते हैं साथ साथ <laughs> और उन्हें बुरा भी लगता था वे भी खेल रहे होते थे हमारे साथ यार चेन 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 तो इतना खेला है ना मतलब बहुत सुमे तू तो तू तो काफी मतलब वो होगा ना प्रो होगा चेन चेन में तेरी रीच हमेशा से काफी लंबी रही होगी

कि इतने सारे 100 150 बच्चे होते थे ग्राउंड में खड़े हुए एंड एकदम से आई गॉट दैट विजुअल एंड मतलब इट इट इंस्टिल्ड सच अ डिस्टिंक्ट फीलिंग इनसाइड मी नो दैट आई हैव लॉस्ट इट लाइक फॉर सो लॉन्ग वो एकदम से ऐसा नॉस्टैल्जिया अलग ही हिट करता है यार मतलब दोस दोस वर सच डिफरेंट टाइम्स एंड एंड लाइक गुड डिफरेंट इट्स नॉट लाइक कि मतलब वी वुड absolutely want them to come back if given a choice don't you guys think exactly exactly like happily i would want to go back <laughs> like without any doubt yes yes i am matlab abhi kitna bhi strange sound kar raha hu but i would love to go out and move far i will happy to shout flame thrower sahi mein yaar that is काफी अच्छा है यार मतलब उस टाइम पे भी डिड नॉट रियलाइज कि हम लोग क्या चीजों मतलब वॉट वॉट वी आर लिविंग एक्चुअली नाउ लुकिंग एट कि क्या हो गया है लाइक आजकल के किड्स दे डोंट इवन नो कि ऐसा कुछ हो सकता है खेलने के लिए लाइक इन देर चाइल्डहुड दे कैन प्ले सम गेम्स लाइक दिस राइट आजकल क्या है कि अपना फोन ले दे दिया सबके हाथ में फोन है स्मार्टफोन उस पर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या फिर ये पबजी खेल रहे हैं वट एवर इट इज राइट मतलब काफी यंग एज से वो ये गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं उनको इसी में ही मजा आता है बट जो असली बचपन जो है राइट आई थिंक यू टू विल अग्री एंड पीपल ऑफ आर एज राइट जिन्होंने वो बचपन जिया है डेफिनेटली एग्री कि आज भी अगर गिवेन अ चॉइस एंड हमसे कोई पूछता है कि तुम्हें वो सब बैठेंगो अपेंगो खेलना है या फिर चेन चेन खेलना है या फिर अब ये मल्टीप्लेयर गेम्स ऑन मोबाइल खेलने हैं वी ऑल वुड जस्ट से भाई हमें ले चलो वापस हम वो सब खेलेंगे पुराने गेम्स हमें खेलने हैं ये सब होता रहेगा हमें ये वो चाहिए मतलब भी वो touch, वो ह्यूमन टच जो मेमोरीज like like ना ही आप किसी को मतलब देख सकते थे तो एक बेसिक चीज आपकी क्लास के बच्चे आपसे दूर दूर रहते थे ठीक है और आपकी शाम सिर्फ एक प्रॉमिस में चल रही होती थी कि शाम को तीन बजे साढ़े तीन बजे चार बजे हमने मिलना है आपको किसी को फोन करके याद नहीं दिलाना होता था आपको कुछ नहीं करना होता था आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली गौरव लाइक दिस इज सभी बंदे जगह पे पहुंच जाते थे right, सभी बंदे right. खेलना स्टार्ट कर देते थे That was so special. Yes, that was so special. वो अब नहीं होता अब आपको चार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यार आज ये करना सच में सच में लाइक दोज वर लाइक द

ठीक है मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जब मैं गली में अपने दोस्तों के साथ जो भी मेरे उस टाइम पे गली में जितने भी दोस्त थे उनके साथ जब भी खेलने जाए तो मेरे को ऐसा कोई दिन याद नहीं है जब मैं रात को आठ बजे या जब भी हम खेल के ख़त्म करते थे कि मैं लड़के नहीं गया हूँ घर अपने हमारा एंड ही ऐसे होता था कि लड़ने नहीं तूने चीटिंग करी है नहीं तूने चीटिंग करी है एक दूसरे को अच्छे से धमका धमकू के कर कर आके घर जाते थे कि अब से तेरे साथ निकला है नेक्स्ट डे फर्स्ट थिंग वी डू जैसे हमने फ्री होना एक दूसरे घर के आगे जाना भाई जल्दी बाहर आओ जल्दी बाहर आओ टीम बढ़ते हैं और हम क्या करते थे जिस रूल पे पहले वाले दिन हमारी लड़ाई हुई है ना कि इस रूल की वजह से हम लड़े हैं कल वो रूल खत्म कर देते exactly. ये वाला रूल ही नहीं होगा कल से That is how you we are back with the वाला चीज की अच्छा हमने कल रात को कट्टी कर दी थी अब से, हाँ, अब से, अब से हमारी अब कल कट्टा खत्म <laughs> मतलब most importantly ना I used to like that action की मतलब ऐसे like थम को बस अपने यहाँ पे रखा चिन्ह पे एंड जस्ट it जस्ट ये हो गया लाइक फ्रेंडशिप इज ओवर तुम्हारा तुम्हारा जो भी कनेक्शन थे दो आर डिस्कनेक्टेड लाइक इट इज ओवर एंड वेरी नेक्स्ट डे तुम अपना अब्बा करो राइट एंड यू आर बैक अगेन विदाउट विदाउट एनी बैगेज अगेन हाँ मतलब जैसे विवेक कह रहा था ना कि आई हैव अ कज़ आई हैव अ कजन ही इज फोर इयर्स ओल्ड और वो पबजी खेलता है जिसमें मुझे ठीक से खेलना नहीं आता पबजी ठीक है वो मुझे पबजी खेलना सिखा रहा है कह रहे भैया इसमें ऐसे करना है इसमें ऐसे गोली चलानी है इसमें ये करना है वो करना है एंड आई आज दिन की चल आजा बाहर खेलते हैं गली में कुछ कहता है, नहीं आप जाओ मैं पबजी खेलूंगा मैं कहा यार ये चार साल का लौंडा <laughs> इसको ये नहीं पता कि बाहर गली में खेलने की वो वैल्यू मतलब वैल्यू उसको तो कैसे ही पता होगी बट लाइक द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू कम टू हैव चेंज्ड कि हमारी जो लाइफ है वो ऐसा हमारे घर के चार दीवारों तक और उस ऐसे सात इंच के फोन की स्क्रीन तक ही लिमिटेड हो गई है एज कंपेयर टू कि हमने अपने बचपन में एक तो लाइक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड अग्री कि वी हैव कम फ्रॉम अ टाइम जहां पे इंटरनेट वॉज नॉट अ थिंग वेन वी वर किड्स एंड दैट हैज हेल्पड अस इन शेपिंग आर पर्सनैलिटी सो मच दैट वी गॉट टू प्ले ऑल दीज गेम्स

घुटने छिले हैं कोने छिली है मतलब चोट नहीं लगी तब तक तुमने क्या बचपन जिया यार exactly मतलब आई आई रिमेंबर आई हैव फ्रेंड्स जो ऐसा मजे-मजे में सेकंड फ्लोर से ऐसे कूद गए थे छत से क्योंकि मजा आ रहा था कूदने में उनके घुटने टूट गए और ऐसे पैर की हड्डियां टूटी पड़ी हैं बट लाइक इट वाज फन राइट वो तो मतलब मतलब अभी 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 के अभी बच्चों को चोटें लगती ही नहीं है मतलब लगती है हमारा ये होता था कि है ना हफ्ते में एक बार तो कहीं से कहीं से छिला गली भी भी में खेल रहा होता था तो बचपन में जब मम्मी वगैरह नहलाया करते थे मेरे को तो आप जब खेल रहे होते हो तब आपको चोट का पता नहीं चलता जब लेकिन जब आप नहाम <laughs> <होते laughs> <में ना, laughs> तो और फिर आपका म्यूजिक निकलता था देन यू बी लाइक अ प्रॉपर बाथरूम सिंगर बाथरूम सिंगर वाला कॉन्सेप्ट <laughs> oh आप वहां गाने गा रहे होते इट वाज लाइक ए ओहो आ एंड एंड मोर ओवर जो चोट लगती है उसके मार्क बन जाते राइट वी वी टेक इट एज अ प्राउड अउड की बैटल स्कार की और इससे मेमोरी जुड़ी है कि मतलब कहीं पे चोट लगी है तो ओके okay, ये चोट इसलिए लगी थी ओ देन यू टॉक अबाउट दोज मेमोरीज ये आजकल क्या होगा कि मतलब पबजी पबजी में चिकन डिनर हुआ था लाइक व्हाट इज दिस यार मैंने पबजी में बासठ किल लिए मैंने पबजी में बारह ही मारे सिर्फ बारह मारे हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. अब अब वालों से अगर रिलेट करना चाहो तो इट इज लाइक इंस्टाग्राम फीड जो अगर ये कहते ना कि ये ये वाली फीड इस टाइम पे ये ऐसे था वो हमारे लिए वो फीड है ये घुटने पे ये वाली निशान

we are again going back in the memories. I can I personally can feel myself uh visualizing. Ki main pe hun, us position pe. Like I'm

तो ये सब चीजें मतलब एकदम से मेरे को हिट कर लाइक so like दो गली छोड़ के आई यूज टू प्ले दिस गेम एंड रोज शाम रोज शाम को पांच बजे आई एम गोइंग एंड वहां से पांच के बाद सात से आठ तक आई एम प्लेइंग जस्ट पर्टिकुलर गेम खा रहा हूँ पिट पे खा रहा हूँ बॉल पड़ रही है जो भी हो रहा है बट वेन आई यूज टू कम बैक आई आई ऑलवेज यूज टू हैव अ स्माइल मतलब चाहे जितना दर्द हो रहा हो थकाऊ मरा पड़ा हो पानी नहीं पिया तीन घंटे से वॉट एवर इट इज बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ स्माइल ऑन माई फेस कि हाँ अब मैं घर जा रहा हूँ एंड आई एम डन आई एम वेरी हैप्पी विद वॉटर है एग्जैक्टली exactly, एक जैसे तुमने अभी गली के बारे में बात किया है गली से एक मेरे को एक दूसरा गेम भी याद आया जो हम गली में काफी काफी खेला करते थे दैट वाज जो अभी जो मैंने सुमित उस बारे में मजाक भी उड़ाया था दैट वाज ऊंच नीच का पापड़ा ठीक है <laughs> तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिलेट कि अभी के टाइम पे जैसे आपके पड़ोस में घर बनते हैं उनके रैम्प पूछे होते हैं ये होते हैं आप उसके बारे में क्या देख रहे होते हो कि बस वह लड़ाइया हो रही है बट उस टाइम पे जो हम बच्चों के लिए वो खुशी होती थी ना कि आ, एक और जगह यहाँ पे खड़े लाइक like, हम, हम कई बार ये करते थे ऊंच नीच का पापड़ा खेलना है यहां कुछ बनाओ हमने इतनी बार करा है ना बाद में उन्हीं ईटों में भीड़ भेड़ के गिरे हैं वो मैटर नहीं करता उस टाइम पे हम सिविल इंजीनियर बन चुके थे अपने <laughs> और तुम लोग को वो गेम याद है जिसमें ऐसे सब लोग अपनी चपले निकाल के लाते थे सर्कल टू लाइक स्टैक देम टुगेदर और एक पत्थर या कुछ तो बॉल होती थी जिससे उन सबको ऐसे बाहर निकालना होता था उस सर्कल से डू डू नो दिस गेम ओ मैन दिस दिस टू बी सो फन हम लोग जितने भी फ्रेंड्स होते थे सो वीज टू मेक अ सर्कल उसके अंदर सबने ऐसे अपनी चप्पलें

आया तो दिमाग में समंदर से है ना हां एनीवे anyway, तो, तो उसमें वही कि ऐसा सर्कल बना लिया उसमें सारे सब ने ऐसे अपनी चप्पलें रख दी रख दिए और उसके बाद फिर तो फिर ना कुछ या तो कुछ वो होता था कुछ स्टोन होता था या कोई बॉल होती थी अभी आपको ना दूर से वो बॉल मारनी है और उससे वो सारी ऐसे निकाल मतलब लाइक यू हैव टू स्प्रेड देम आउट बेसिकली ठीक है एंड दैट वाज द एंटायर एंटायर गेम तो ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ वेन यू नो वेन यूर आर टॉकिंग अबाउट की रियल लाइफ स्ट्रैटेजी और वो सब वी हैव लर्न फ्रॉम इट तो आई आई वॉज जस्ट थिंकिंग यू टॉकिंग अबाउट इट कि आज के टाइम पे लोग लोगों का जो मतलब ये एक बिहेवियर अभी बहुत रिसेंटली देखा जा रहा है कि दे लिसन टू स्पीक नॉट टू लिसन एंड आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट कि काफी लोग ऐसा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं आजकल कल दे जस्ट वॉन्ट टू पुट देयर ओपिनियन आउट एंड देर नॉट लाइक लेट इट लिसनिंग टू पीपल बट वेन वी एज किड्स वी हैव अंडरगोन दीज एक्सपीरियंसिस वेर वी यूज टू लिसन टू अदर पीपल वेर लाइक इट वॉज ऑल अबाउट कम्युनिटी बैक देन यू नो वट आई मीन राइट एंड एंड दिस हेज कम फ्रॉम दैट कि क्योंकि वी यूज टू लिसन वी वी यूज टू एक्चुअली बी देर इन दैट मोमेंट एंड लिसन टू वट एवरी वन इज से वो रिक्वायर्ड होता था इन दैट पर्टिकुलर गेम तो लाइक दैट हैज किस तरीके से आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने लाइक like, ऐसा बच्चों वाले टाइम पे वट इज दैट कॉल्ड अडोल्स लाइफ सो जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं इन दाइल्डहुड वट दे आर प्लेइंग एंड वट एक्सपीरियंस दे आर गेटिंग दे आर वेरी डिफरेंट And I'm sure it it is is like it will turn out in a very different way also. Yeah, agreed Sumit. I mean, I think um, today, I mean, what I have seen around my surrounding जो हैं जो नए बच्चे हैं right वो ये गेम्स खेल के ना एंड इट इज अ प्रूवन फैक्ट there लाइक देर a स्टडी कि जो ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं दे आर मोर अग्रेसिव इन their रियल लाइफ राइट आई थिंक ये गेम्स वगैरह से ही आता है कि गेम्स बट हमारे टाइम पे क्या था कि हमारी सारी एनर्जी वो भागने दौड़ने में गली में गली में तुम हो एंड तुम चिल्ला के किसी को चिल्ला के गला फाड़ के चिल्ला रहे हो कि गला फट चुका है तुम्हारा एंड यू आर से आ जा प्लीज काम मतलब ये करना है तो हमारा सारा जो अग्रेशन जो भी होता था राइट एडोल्टेंस में और यंग जब वी आर इन आर चाइल्ड हुड राइट वी हैव दैट एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी इन इन आर इन आरस राइट तो वो हमारी वहाँ पे निकल जाती थी वी यूज टू लाइक लेट इट गो इन देम्स उस गेम्स की फील्ड्स में हम लोग सब कुछ वहाँ पे खत्म कर देते थे एंड वी यूज टू फील वेरी रिलैक्सड आफ्टर दैट राइट एंड आई थिंक आज गेम्स खेल मोबाइल गेम्स खेलने के बाद बच्चों में लोगों बच्चों में तो नहीं बोलूंगा मैं इवन इन द एडल्ट पीपल राइट एंग्जाइटी आती है

ऐसे जनरली खेलने के लिए हम कभी देंगे नहीं किसी बच्चे को तुम किसी को नाइफ नहीं दो, दो ऐसे खेलने के लिए ठीक है सो लाइक साइकोलॉजिकली वो कितना अफेक्ट कर रही है उन बच्चों के माइंड्स को अभी सो दिस थिंग वी डोंट जनरली थिंक अबाउट कि बच्चे अगर अभी से कोई तीन से चार साल का बच्चा पबजी खेल रहा है ही इज लर्निंग अबाउट लाइक वट ही इज सी एंड वट ही इज एक्चुअली डूइंग इज शूटिंग पीपल

Uh, और जो जैसे भी विवेक ने जो सब चीज़ें बोली इन सब चीज़ों से ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी लाइक like मैं सुमित का और विवेक का तुम दोनों का पॉइंट मतलब थोड़ा मिला के बोलना चाहूँगा कि जो हमने गेम से कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर नेचुरली आई हैं और जो मैं फील करता हूँ जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे लगती है जो मैंने उस टाइम से सीखी है वो है टू लेट इट गो टू लेट गो थिंग जो चीजें होती थी हम दिन के एंड में लड़ते थे आपस में लड़ते थे हम उसको बहुत आसानी से मतलब भूल के अगले दिन पे जाना सीखा है हमने उन्हीं चीजों की वजह से ठीक है जो कि अभी मैं नहीं देखता अभी अगर बच्चे लड़ रहे होते हैं वो सच में लड़ रहे होते हैं लाइक दो बच्चे लड़ रहे हैं वो लड़ गए वे वे परमानेंट हाँ अब हमने बात नहीं करनी हम क्या करते थे हाँ भाई आज मेरी विवेक से लड़ाई हुई है मैं बात नहीं कर रहा कल आके भाई विवेक मेरे को टीम में चाहिए तो चाहिए

बेसिकली जेल इन विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल राइट वो हमें सीखने को मिला है बेसिकली कि हाउ टू कीप एवरी वन टूगेदर हमेशा अपने एगो के चक्कर में लड़ाई नहीं करनी वो नहीं करनी जस्ट लेट इट गो लेट इट गो इज द लाइक द एक्चुअल वर्ड विच यू विचुमेशन राइट वो काफी yes, सही yes, वो yes, काफी yes, जरूरी है वो काफी जरूरी है जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट मूव ऑन एक एक उस टाइम पे ना हमारे अंदर एक नेचुरल सी सेंस होती थी इस बात की कि सामने वाला कुछ गलती करा तो हमें पता होता था कि देख हमने भी कल चीटिंग करी है कोई बात नहीं <laughs> उसने नहीं, चीटिंग करी है नहीं। हम उस पे, उस बात पे लड़ लिए ठीक है लेकिन अब अब जब बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं वो चीजें खेलते नहीं है वो चीज एक्सपीरियंस करते नहीं है तो उनके चीज अंदर ये वाली चीज नहीं आती कि वो सामने वाली गलतियों को गलते लेते वो ये नहीं देखते कि हाँ भाई हमने भी कुछ करा है ये चीज मतलब बहुत नेचुरल सी होने वाली सी चीज है जो अब हो रही है सबके साथ बट वही है